गाजियाबाद नगर निगम कर्मचारी यूनियन संघ के अध्यक्ष हरेंद्र नागर को किसने गोली मारी यह अभी रहस्य बना हुआ है। उनके होश में आने का इंतजार किया जा रहा है। दरअसल कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष हरेंद्र नागर को उनके घर के ड्राइंग रूम में संदिग्ध हालत में गोली लगी। बताया जा रहा है कि गोली सर के पास लगी है। गाजियाबाद के कोतवाली थाना क्षेत्र के मॉडल टाउन इलाके की पॉश सोसाइटी में रहने वाले हरेंद्र नागर की किसी से कोई दुश्मनी नहीं बताई जा रही, लेकिन सोमवार रात पुलिस को सूचना मिली कि हरेंद्र को गोली लगी है। बिल्डिंग के गार्ड की मदद से हरेंद्र को अस्पताल पहुंचाया गया। शक है कि घर में पत्नी के साथ उनका कोई झगड़ा हुआ था और उसके बाद ही जो हुआ वह रहस्य बना हुआ है। सवाल यह है कि हरेंद्र को किसने गोली मारी, क्या उन्होंने आत्महत्या की कोशिश की है। हालांकि पुलिस तमाम पहलुओं पर जांच की बात कह रही है। बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी कब्जे में लिया गया है। घटना के बाद कर्मचारी यूनियन संघ में भी मातम पसरा है। फिलहाल पुलिस हरेंद्र के होश में आने का इंतजार कर रही है। हालांकि उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।